मेरी प्यारी YouTube फैमिली को दीपावली की एडवांस पे हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है कुछ दिन में वीडियो ना लेके आ पाऊं, आपका साथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। फेस्टिव सीजन है, काम ज्यादा है और घर का बजट भी बिगड़ सा जाता है। घर के कुछ ही सामान से और कम बजट में एक ऐसी रेसिपी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो बेल आइकन और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। हमने गैस पर पैन रख लिया है, पैन में हम डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून के करीब, ये है डेसिकेटेड नारियल। अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल नहीं है, इसकी जगह आप नॉर्मल नारियल भी ले सकते हैं। हमें नारियल ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे इसमें कैसी भी महक हो वो निकल जाए। बस 1 से 2 मिनट इसको हम रोस्ट करेंगे। नारियल हमारा रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, पैन को वापस रख लेते हैं। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून हम देसी घी। घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, यहाँ मैं ले रही हूँ गोंद, ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने गोंद लिया है। हमको गोंद को हल्की फ्लेम पर ही, घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसी पर इसके फूले बनाने हैं। हल्की गैस पे फूले अच्छे बनते हैं। देखिए फूला हमारा अच्छे से बन गया है, मैंने गैस को बिल्कुल भी हाई नहीं किया है, हल्की गैस पे अंदर तक गोंद सेक जाता है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी घी में मैं डाल रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, थोड़ी सी किशमिश, इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट्स है तो आप डाल सकते हैं, मैं इसके अलावा, मुझे और ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम डाल रहे हैं 2 कप सूजी, ये हो गया 2 कप। सूजी हमें ज़्यादा नहीं भूननी, हल्का सा हमें 1 से 2 मिनट इसका कच्चापन निकालना है, बस इतनी ही भूननी है। देखिए सूजी का बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने इसको 1 से 2 मिनट भूना है, सूजी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे, जितनी मैंने सूजी ली है उसी के नाप से मैं डाल रही हूँ 2 कप शुगर। मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। शुगर के साथ ही मैंने शुगर इसलिए पहले डाल दिया कि जिससे मैं जब इसमें दूसरी चीज़ें मिक्स करूँ तो शुगर आराम से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स ना बने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, यहाँ मैंने 4 कप दूध डालूंगी, ये हो गया टोटल 4 कप दूध। दूध हमें इतना डालना है कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। अगर आपको लग रहा है दूध कम है या सूजी आपकी फूल नहीं रही, तो आप दूध की संख्या को या तो बढ़ा दीजिए या फिर कम कर दीजिए। अब लगातार चलाते हुए मुझे इसे 2 फॉर्म में लेना है। इस स्टेज पे मैंने गैस को कर दिया है हाई फ्लेम पर। अगर आपको लग रहा है आपके इसमें लम्स पड़ गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, सारे लम्स जब ये डो बनेगा सारे लम्स इसके निकल जाएंगे, लेकिन आपको चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। देखिए लम्स सारे निकल गए हैं, सूजी हमारी 2 फॉर्म में भी आने लगी है। हमें सूजी का दाना रखना है, हमें इसको एकदम से पेस्ट फॉर्म में नहीं लेना है, बस हमारा डो बन जाए इतनी ही हमें सूजी भूननी है। जब ये 2 फॉर्म में आएगी तो ये पैन को छोड़ने लगेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप शुगर का यूज किया है, आप उसकी जगह कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मैंने यहाँ दूध का प्रयोग किया है, आप चाहें तो मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का
यूज नहीं किया है। मैंने यहाँ फ्रेश दूध लिया है फुल क्रीम का। देखिए सूजी हमारी एकदम से डो फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ हम गैस को कर देते हैं बंद। यह हमने एक ले लिए बड़ी सी परात, इस पे हम मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ जिससे डो हमारा चिपके नहीं। अब इस डो को मैं इस परात में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद ही हम इसको टच करेंगे। अब इस डो के मैं कर लेती हूँ चार भाग, क्योंकि मैं चार फ्लेवर का अलग अलग तरीके से ये मिठाई बनाने वाली हूँ। अब एक पार्ट को मैं अलग निकाल देती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर एकदम से अलग और यूनिक होने वाला है। एक पार्ट को मैं निकाल कर अलग प्लेट में रख लेती हूँ जिससे कोई भी फ्लेवर किसी में मिक्स ना हो। बाकी के सारे पार्ट में मैं डाल दे रही हूँ इलायची का फ्लेवर, क्योंकि इन फ्लेवर इसमें इलायची का भी बहुत अच्छा लगता है। यह मैंने शुगर के साथ इलायची को पीस लिया था। अब मैं इनको मिक्स करने के बाद इनको तीन अलग अलग भागों में डिवाइड कर दूंगी। इनमें से दो पार्ट भी मैं अलग अलग प्लेट में रख देती हूँ क्योंकि किसी का फ्लेवर मुझे किसी में मिक्स नहीं करना। अब मैंने ये लिया है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं डालूंगी ये ड्राई फ्रूट। उसके लिए मैंने जो ये लिया था ना गोंद, इसको पहले हल्का सा क्रश कर लेती हूँ इस तरीके से। आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं। मैंने ये मिक्सी में इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका क्रंचीपन चाहिए था। गोंद को मैं इस फर्स्ट पार्ट में मिक्स कर देती हूँ। साथ में डाल देती हूँ ये ड्राई फ्रूट्स, जो आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देती हूँ डेसिकेटेड नारियल। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स वाले पार्ट में अच्छे से इलायची भी मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये हम अकेले ड्राई फ्रूट्स के बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसका आता है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके लड्डू की शेप बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे हो गए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। यहाँ हमने ले लिया दूसरा अपना इलायची वाला पार्ट। अब इसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल और इसमें डालेंगे है ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, इसकी फीलिंग भी अलग होने वाली है। आप चाहें तो इसको अकेले इलायची वाले की भी बना सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसकी फीलिंग में डालेंगे इस तरीके से। हमें लेना है एक पार्ट और इसकी फीलिंग में हम डालेंगे ये टूटी फूटी। ये आप अपने मन से इसकी फीलिंग्स कोई भी डाल सकते हैं। मैं इसमें इलायची के साथ टूटी फूटी को फिल कर रही हूँ। फिर हमें लेना है डेसिकेटेड नारियल, उस तरह से इसको कवर कर देना है इस तरीके से। ये हमारे हो गए दूसरे तरीके के। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें मैंने ना तो इलायची का प्रयोग किया था ना ही कोई फ्लेवर। अब हम पहले इसका डो बना के इसको एक शेप दे देते हैं। अब मैंने यहाँ ली है 4 से 5 डेरी मिल्क, जिनको मैं खोल कर इस बोल में पलट लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर लिए। एक चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है और एक चॉकलेट को मैं मेल्ट करने के लिए रख दूंगी। बाकी की सारी चॉकलेट मैं इसमें मेल्ट करने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगी। अब हमने जो बेस बनाया था ना, अब इसके बीच में हम भर देते हैं ये चॉकलेट। ये बन जाएंगे हमारे चॉकलेटी फ्लेवर के। इसको हम इसके अंदर फिलिंग में भर देते हैं। यहाँ मैंने चॉकलेट को कर लिया है मेल्ट। अब मैं इसको लूंगी और इसमें लपेट दूंगी इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें व्हाइट कंपाउंड की चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी हो जाएगी चॉकलेट लड्डू। ये हमारा फोर्थ एंड आखिरी डो। इसमें डाल रही हूँ ग्रीन कलर। मैं इसमें दूंगी पान का कलर, यानी कि पान का टेस्ट
इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून गुलकंद। अब हम इसको गुलकंद के साथ डालेंगे डेसिकेटेड नारियल, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। लीजिए, बनकर तैयार है कम बजट में कितनी यूनिक सी मिठाई हमारी। ये हो गई ड्राई फ्रूट्स एंड कॉर्न्स के लड्डू, ये हो गए नारियल के लड्डू और इलायची फ्लेवर, ये चॉकलेट के लड्डू हो गए, और ये हमारे हो गए गुलकंद के लड्डू। दिवाली की मैंने तो कर ली ये तैयारी। ये भी जो ट्रे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये मिठाई के बॉक्स में ही निकलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका लुक उठाया जाए। कम बजट में कितनी यूनिक सी मिठाई। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय, बस गैन, हैप्पी दिवाली।